दोस्तों नमस्कार, फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के यानी रसायन विज्ञान के ऐसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जिनके बोर्ड एग्जाम में आने के चांस 100% तो नहीं कह सकता लेकिन 50 से 60% तो ज़रूर ही हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% मिल जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री के 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा 2020 में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मोलरता, मोललता, मोल प्रवाह अथवा परासरण दाब से आप क्या समझते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 डेफिनेशन बताई हुई है आपकी, मोलरता, मोललता, मोल प्रवाह और परासरण दाब। इन चारों में से किसी एक की डेफिनेशन लिखने के लिए आपको 100% बोर्ड परीक्षा मिलेगा जो एक नंबर का रहेगा। तो इन चारों को आप याद कर लिए, इन चारों में से एक तो आपके आना ही आना है और केमिस्ट्री में एक एक नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप एक एक नंबर के क्वेश्चन याद करोगे जिनके आने के चांस बोर्ड परीक्षा बहुत ज़्यादा है तभी आप 25 मार्क्स लेकर के आ सकते हो। फ्रेंड इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, राउल्ट का वाष्प दाब का अवनमन नियम लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए पिकअप किया हुआ है। कोलराउस का नियम एंड फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। प्रथम नियम में फेराडे का विद्युत अपघटन का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये वाला क्वेश्चन 1 से 2 नंबर आपको बोर्ड के परीक्षा में केमिस्ट्री में दिला सकता है, 100% आपको इसका आंसर याद करना है। फ्रेंड इसकी PDF फाइल चाहिए तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। उस व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री में सारी की सारी PDF फाइल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर और भी बहुत सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर पक्का ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है, नरस समीकरण क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इनके लक्षण लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का आएगा आपके बोर्ड के परीक्षा में, तो पक्का इसका आंसर याद करके जाना है। इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हो। चलिए यहाँ पर मैं आपको फाइनली बता देता हूँ, या तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी या ये मानक इलेक्ट्रोड विभव, इन ये 2 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के परीक्षा 100% आएगा, इस बात की गारंटी है। तो ये 2 नंबर आपके बिल्कुल कन्फर्म हो गए। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके लक्षण लिखने हैं, अथवा मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हो, इसकी एक जो श्रेणी है वो भी लिखनी है, मानक इलेक्ट्रोड विभव वो भी लिख दोगे तो आपके 2 नंबर बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है आपके बोर्ड के परीक्षा में। इसके बाद जालक बिंदु से आप क्या समझते हो, क्वेश्चन नंबर 9 है, pH मान क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका आंसर याद कर लेना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हो। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, अगर आप इनको याद करोगे तो कुछ नहीं तो कम से कम 10 से 15 नंबर का आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने याद कर लिया जो आपके अच्छी परसेंट लाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों। अब आप लोग व्हाट्सएप के जरिए अपने गणित के कठिन से कठिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से पा सकते हो। आपको करना क्या है, ये वाला नंबर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो इस नंबर को सेव कर लेना है। उसके बाद आपके गणित का जो भी क्वेश्चन है उसका फ़ोटो खींच करके इस व्हाट्सएप नंबर को अच्छे तरीके से क्रॉप करके भेज देना है और उसके जस्ट 5 सेकंड बाद उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर भेज दिया गया है और इसका वीडियो सॉल्यूशन देखिए आपके सामने।